Hey guys, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे else if क्या है। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक वेरिएबल बना के रखा है मैंने age 24, और if में मैं लिखता हूँ if age अगर आपका 24 है। ओके okay, तो सिंपली यहाँ पर क्या करिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट करिए और बोलिए एज इज 24। ओके फाइन, चलो ये भी हमें पता है, मैंने सेव किया, 24 दिख जाएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद अगर चाहो तो आप यहाँ पर else भी लगा सकते हो। फिर से मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर फिर से मैं लिखता हूँ एज, एज इज नहीं, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, एज नॉट फाउंड। ओके, और मैं सेव करता हूँ तो अभी भी आपको 24 ही मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू हो रही है, और इस वजह से ये ब्लॉक रन होता है, राइट right? ये आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर मैंने 18 कर दिया, 18 कर दिया, सेव किया, तो देखिए एज नॉट फाउंड मिल जाएगा। सिंपली ये वाला स्किप करेगा ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक रन कर देगा, इतना तो आपको पता है, करेक्ट। अब हम लोग एल्स इफ देखेंगे। एल्स इफ का मतलब क्या है, देखिए एक से ज्यादा आप यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। मान लो यहाँ पर आपने एक कंडीशन दी है एज 24, चेक करो, अगर है तो उसके अंदर का कोड रन करो। ऐसा ही आप और एक यहाँ पर लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं एल्स इफ लिखता हूँ, सिंपली यहाँ पर सिंटैक्स और कंसेप्ट देखिए कैसे काम करता है। तो एल्स इफ लिखना है, पैरेंथेसिस लिखना है, और फिर से यहाँ पर वो कंडीशन आपको लगानी है जो आपको यूज करनी है, जो भी कंडीशन आपको लगानी है आप लगा सकते हो। तो अब मैं बोलता हूँ 36 चाहिए, मेरा एज अगर 36 है, तो सिंपली इस ये वाला ब्लॉक रन करिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट मैं लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पर फिर से लिख रहा हूँ एज इज 36। ओके, और मैं सेव करता हूँ। अभी भी देखिए एज नॉट फाउंड है, बिकॉज आपने यहाँ पर 18 लिख के रखा हुआ है इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए सिंपली मैं थोड़ा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ पहले, ये काम करता कैसे है। अभी सिंपली इफ एल्स तो आपको पता है, देखिए इफ क्या करता है, सिंपली यहाँ पर एज 24 होगा तो ये कोड रन करेगा, इसके नीचे ये देखेगा भी नहीं, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। नहीं पता है तो यहाँ पर देखिए, देखिए इफ क्या करता है, ये कंडीशन अगर ट्रू है राइट तो ये ब्लॉक रन करेगा, नीचे जाएगा नहीं। लेकिन अगर ये फॉल्स है ना, तो ये नीचे जाएगा और चेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एल्स इफ भी आपने लिखा है, तो एल्स इफ लिखा, एल्स इफ लिखने के वजह से क्या होता है, यहाँ पर दूसरी कंडीशन चेक करता है वो। देखिए यहाँ पर आपने पहली कंडीशन चेक कर ली, ओके फाइन, मुझे फॉल्स मिल गया। अब मैं आगे जाके चेक करूंगा कि क्या यहाँ पर 18 नंबर है क्या, क्योंकि 18 देखिए आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी उसको 18 नहीं मिलेगा, तो ये आगे चला जाएगा। और एल्स में देखिए एल्स ही लिखा है और कुछ नहीं है, तो ये सिंपली एल्स रन कर देगा। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर देखिए एज नॉट फाउंड मिलेगा आपको। लेकिन अगर मान लो आपने यहाँ पर 36 लगा दिया, ओके, और अभी मैं सेव करता हूँ, तो देखिए आपको 36 मिल जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है, सिंपली 36 लगाने के बाद फिर से यहाँ पर ये चेक करेगा 36 है क्या, अगर 36 नहीं है तो फिर से यहाँ पर एल्स इफ में जाएगा और चेक करेगा 36 है क्या, तो यहाँ पर उसको 36 मिल जाएगा और यहाँ पर सिंपली आपको रन होके दिखाई देगा। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको समझ में आ चुका है। देखिए ये डबल इक्वल टू डाला था, कोई बात नहीं, यहाँ पर आप जैसा आप चाहो, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे, मैं ट्रिपल इक्वल टू चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे टाइप भी चेक करना था। ओके फाइन, तो देखिए मुझे सिर्फ आपको यहाँ पर यही चीज बतानी थी, एल्स इफ का जो कंसेप्ट है ना वो मुझे आपको सिर्फ इस वीडियो में सिखाना था, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ देखेंगे एल्स इफ, और वहां पर थोड़ा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब थोड़ा सा फिर से थोड़ा रिविजन मैं बताता हूँ। देखिए आपने एक वेरिएबल बना लिया है जिसमें 36 नंबर डाला है, तो अब करेगा क्या, देखिए 36 नंबर डाला है और नीचे लिखा है आपने इफ स्टेटमेंट, और इफ क्या करता है, सिंपली पहले यहाँ पर कंडीशन चेक करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो उसका कोड रन करेगा, अगर फॉल्स है, ओके पहले चीज ध्यान में रखिए, अगर ट्रू है तो ये ब्लॉक रन करेगा और नीचे नहीं जाएगा, तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है जब भी आप एल्स इफ लगा रहे हो। तो यहाँ पर जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तभी ये यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ पर चेक करेगा 36 है, ओके तो 36 है तो यहाँ पर प्रिंट करेगा, अगर नहीं है तो आगे जाके एल्स प्रिंट करेगा। ओके गाइस, इतना समझ में आ चुका है, तो आई होप अभी यहाँ पर आपको कंसेप्ट समझ में आ चुका है एल्स इफ काम कैसे करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे, उससे उसमें से हमें एल्स इफ का जो कंसेप्ट है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बस इसी वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।